मिशन क्लीन लाहौर फेज टू, बादामी बाग, सब्जी मंडी, मुल्तान रोड और कान्हा काछा मंडी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। मुल्तान रोड मंडी से चार किनाल सरकारी वागुजार करा ली गई। बादामी बाग मंडी की राहदारियों से 100 थड़े और 10 खोखे मिसमार। कान्हा मंडी में दौरान ऑपरेशन 200 थड़े और 20 खोखे गिरा दिए गए। सिंहपुरा मंडी और रायवंड सब्जी मंडी में ऑपरेशन आइंदा 2 से 3 रोज में किए जाने का इम्कान है। सीवरेज के अबतर इंतजाम, उबलते गटर और कूड़ा करकट में सांस लेना मुहाल। बागड़िया चौक की नवाज कॉलोनी के मकीनों को गंदगी के अजाब का सामना। इलाका की अबतर सूरत हाल ने क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम में परवरी सवालिया निशान खड़ा कर दिया। शहर में एलपीजी माफिया बेकाबू। माफिया ब्लैक पे 150 रुपए फी किलो एलपीजी फरोख्त करने लगा। इंतजामिया माफिया के आगे बेबस। ओगरा ने एलपीजी की कीमत 115 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, गैस की बंदिश भी जारी। शहरियों ने मामूलाती जिंदगी चलाने के लिए सुई गैस का मुतबादल ढूंढ निकाला। घरों के चूल्हे जलाने के लिए शहरी महंगी लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। हुकूमत से कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया। मुगलपुरा के इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मियां बीवी और बच्चे को कुचल दिया। हादसे में मां आयशा और 4 साल बेटा मोइज जांबहक, बाप अब्बास अली जख्मी। शालीमार अस्पताल इंतजामिया ने खातून और बच्चे की लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी। अब्बास अली को तश्वीशनाक हालत में सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस ने हेल्पर को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहर में बच्चों के अगवा का सिलसिला रुक न सका। गुलशन इकबाल पार्क से 5 साल बच्चा अगवा। वाके की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। बुरके में मलबूस खातून दिन दहाड़े 5 साल साथ को अगवा करके ले गई। पुलिस ताहाल बच्चे को बाजियाब न करवा सकी। थाना गाजियाबाद के इलाके ताजपुरा में लड़ाई झगड़ा। राणा ग्रुप की अमजद अली नामी शख्स पर फायरिंग। 2 बच्चों समेत 4 अफराद फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी। 5 साल आजम और सहर, 20 साल कादिर अली, 23 साल अख्तर तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। पंजाब हुकूमत का कायमा कमेटियों के अरकान की तादाद बढ़ाने का फैसला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और इस्तेहकाक कमेटी के अरकान की तादाद 14 से 17 करने पर गौर। दीगर कायमा कमेटियों के अरकान की तादाद 10 से बढ़ाकर 11 करने का फैसला। मुजव्वजा तरामीम असम्बली के आज होने वाले इजलास के एजेंडे पर मौजूद। प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में अहम पेशरफ्त। प्रोडक्शन ऑर्डर के इख्तियार की तरमीम आज असम्बली में पेश की जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुजाकरात का एक और दौर तय। हुकूमत और अपोजिशन कायमा कमेटियों के मामले पर बुध के रोज बैठक करेंगे। हमजा शहबाज को पीएसी की चेयरमैनशिप देने का मामला जेरे गौर आएगा। जनूबी पंजाब के लिए मिनी सिविल सेक्रेटेरिएट के कयाम का मामला। वजीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद फंड्स भी तजवीज। 50,08,62,000 रुपए मुख्तस करने की तजवीज। तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में 23,90,00,000 और ऑपरेटिंग अखराजात के लिए 21,18,00,000 मुख्तस करने की तजवीज है। अफसरान के लिए 1300 सीसी 8 गाड़ियां और 1000 सीसी 13 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए पीएनडी बोर्ड भी तश्कील किया जाएगा। हुकूमत 6 माह में 3 बजट पेश करेगी तो सरमायाकारी कैसे होगी। हुकूमती पॉलिसियों के बायस मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। नून लीग ने अगर कर्ज लिया तो वो हराम है, हुकूमत कर्जा ले तो वो हलाल। आसिफ जरदारी ने जिस फॉरम पर नाअहल होना था वहां से दरखास्त वापस क्यों ली गई। रहनुमा नून लीग मुसद्दक मलक का सवाल, बोले कोई अन्नारो नहीं हो रहा। नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान राब्ते की कोशिश नहीं की। रहनुमा नून लीग मुफ्ता इस्माइल के भी मुखालफीन पर वार, बोले अगर किसी ने अन्नारो मांगा है
तो नाम बता दें, वजीर आजम समेत किसी शख्स के पास एनआरओ देने का इख्तियार नहीं। पीटीआई की हुकूमत आने से महंगाई में इजाफा हुआ। पहले भी कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ का सियासी खात्मा हो चुका है, हमने कुछ नहीं किया। सिर्फ जरदारी और नवाज शरीफ ने अपनी सियासी कब्र खुद खोदी है। पहले हुक्मरानों की तवज्जो सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने की जानिब थी। इमरान खान का सियासी नहीं बल्कि एक समाजी विजन है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं जनवरी को नए बजट में मुस्तहकम मुआशी पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। पार्लियामानी जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर आएं, फौजी अदालतों को तौसीन ना मिली तो दहशतगर्दी पलट आएगी। अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी की खैबर पख्तूनख्वा और लोअर सिंध की तंजीमों के कारकुन से गुफ्तगू। इमरान खान के सिपाही की हैसियत से ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन का मुकाबला करता रहूंगा, झूठे प्रोपेगेंडे और खबरों के पीछे आले शरीफ और आले जरदारी का हाथ है, इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लूंगा। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात, महकमा इत्तलात और सकाफत में बेहतरी के लिए मुमकिन इकदाम पर गौर किया गया। वजीर आला की सूबाई वजीर को इलाकाई कल्चर, मौसीकी और थिएटर को प्रमोट करने की हिदायत। पंजाब काबीना के मुतअद्दिद वुज़रा के लिए खतरे की घंटी, तमाम वुज़रा की कारकर्दगी के हतमी मरहले की मॉनिटरिंग शुरू, नाकिस कारकर्दगी पर वुज़रा से अहम वजारतों के कलमदान वापस ले लिए जाएंगे। कारकर्दगी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करके इनसे हतमी मंजूरी ली जाएगी। आमदन से जायद सासाजात का केस, शरीफ खानदान के खिलाफ एक और केस की तैयारी शुरू, हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल करने का इंकशाफ। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ मुतअद्दिद अफराद ने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। बाग कमाल लोगों का लाजवाब कारनामा, पीआईए इंतजामिया का भी यू टर्न, फजाई मेजबानों को बंद लोडर सर्विस को नए नाम से शुरू करने का फैसला, सामान उठाने के लिए असिस्टेंट फराहम किया जाएगा। असिस्टेंट फजाई मेजबानों को आमदोर रवानगी के वक्त एफआईए इमिग्रेशन से क्लियरेंस भी दिलवाएगा। लाहौर एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर तारिक मजीद ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। पीएमएस एसोसिएशन के इंतखाबात, ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन ग्रुप ने 36 वोटों से मैदान मार लिया। नवीद शहजाद मिर्जा पीएमएस एसोसिएशन पंजाब के सदर मुंतखिब, अब्दुल रईफ जनरल सेक्रेटरी, सुहेल शहजाद सीनियर नायब सदर, हसन गुल सेक्रेटरी फाइनेंस बन गए। नौ मुंतखिब सदर नवीद शहजाद ने पीएमएस अफसरों की आवाज हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाने का आजम जाहिर किया। पाकिस्तान ग्रीन ने इंटरनेशनल कबड्डी टाकरा अपने नाम कर लिया। पंजाबियों की शान, पंजाब के माथे के झूमर, कबड्डी का शानदार मुजाहिरा, फाइनल में भारतीय सूरमाओं को पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मात दे दी। पाकिस्तानी टीम ने भारत के 29 के मुकाबले में 40 पॉइंट्स हासिल किए। पंजाब स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद, कबड्डी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। दोनों टीमों की जानिब से रिवायती खेल पेश करने के दिलचस्प मनाजिर, कैंची ढाक मारने, जफ्फा लगाने और कलाई की पकड़ाई से दबोचने के शानदार मुजाहिरे, रीडर और स्टॉपर के दरमियान पकड़ने और भागने की कश्मकश, मुनफरिद दाव पेच, फुर्तियों के नजारों से शायकीन आशाश कर उठे। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, मियां असलम इकबाल और तैमूर भट्टी भी मौजूद रहे। मैच के आगाज पर अकरम राही के गीत ने रंग जमा दिया। वक्फे के दौरान फनकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस,
ढोल की थाप पर हर तरफ पंजाब सकाफत के रंग, अहले लाहौर ने माहौल और मैच से खूब लुत्फ उठाया। तीसरी पोजीशन के मैच में पाकिस्तान वाइट्स ने ईरान की टीम को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान वाइट्स ने 24 के मुकाबले में 31 पॉइंट्स से फतह समेटी। ईरानी टीम को बग्गियों पर बिठाकर ग्राउंड का चक्कर भी लगवाया। आईटी यूनिवर्सिटी के जरिए तमाम अलहमरा हॉल में थिंक फेस्टिवल का दूसरा रोज, मुल्की और गैर मुल्की मोटिवेशनल स्पीकर्स की शिरकत। वफाकी वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी भी शरीक। फेस्टिवल में किताबों के मुतअद्दिद स्टॉल्स भी लगाए गए। तराने के खालिक और नामवर शायर अबुल असर हफीज जलंधरी का 118वां यौम पैदाइश आज मनाया जाएगा। हफीज जलंधरी 14 जनवरी 1900 को हिंदुस्तान के शहर जलंधर में पैदा हुए। हफीज जलंधरी उर्दू के नामवर शायर और अफसाना निगार थे, जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी तराना के खालिक की हैसियत से शोहरत हासिल की।